हेलो फ्रेंड्स वेलकम मैं सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका पेपर आयकर चैनल में और जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा जो लास्ट चैप्टर है इस इंग्लिश लिटरेचर का तो इसका मैं आपको ये स्टेंजा एक और इम्पोर्टेंट स्टेंजा करवाने वाला हूं करवाने वाला हूं ठीक है तो ये स्टेंजा जो है ओल्ड टू एड नाइट एंगल चैप्टर का है जिसके राइटर हैं जॉन कीट्स ठीक है इस स्टेंजा को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे चैनल द्वारा आप टेंथ और ट्वेल्थ सी बी एस ई बोर्ड की भी प्रिपरेशन करवाई जा रही है आप आपको इस चैनल का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है वहाँ पे जाकर आप जो आप, आपके छोटे भाई बहन हैं उनके लिए ये चैनल दीजिए और उनको ये क्लासें दिखवाइए ठीक है थीके? तो चलिए शुरू करते हैं अपना हम अपना स्टैंड पढ़ना ठीक है एड्यू द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेर एड यू मीनस होता है चले जाओ यानी यहां से चले जाओ एड्यू मींस चले जाओ द फैंसी फैंसी सपने भी होते हैं ठीक है फैंसी को सपना भी बोलते हैं तो जो सपने हैं वो हमें ज्यादा देर तक चीट नहीं कर सकते धोखा नहीं दे सकते पर नाइटिंगेल के लिए यूज हुआ है तो जैसे कि सी इज यानी कि जो नाइटेंगल है फेम्ड टू डू ऐसा करने के लिए ही जानी जाती है डिसीविंग एल्फ धोखा देने के लिए कभी पर कह रहा है कि जो नाइटेंगल है वो किसके लिए जानी जाती है धोखा देने के लिए ही जानी जाती है एड्यू एड्यू चली जाओ चली जाओ डाय प्लेटिव एंथेम फिट्स एड्यू एड प्लेटिव एंथेम फिट्स तुम्हारे ये जो दर्दनाक गीत हैं चली जाओ चली जाओ तुम्हारे ये जो दर्दनाक गीत हैं वो क्या कर रहे हैं वो मुझे दुख पहुंचा रहे हैं क्या कर रहे हैं दुख पहुंचा रहे हैं पास्ट द नियर मीडोज ओवर द स्टिल स्ट्रीम अब तुम्हारी जो आवाज है पास्ट द नियर मीडोज मीडोज होता है आवाज अब तुम्हारी जो आवाज है वो घास के मैदानों से मीडोज मीन्स घास के मैदान अब जो तुम्हारी आवाज है वो घास के मैदानों के पास से आ रही है ओवर द स्टिल स्ट्रीम और नदियों के ऊपर से आ रही है किसके नदियों के ऊपर से आ रही है अब दिल साइड घाटियों के ऊपर से पहाड़ियों के ऊपर से एंड नाउ इज डीप और अब ये बिल्कुल खत्म होती जा रही है अब मतलब आवाज जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है पहले उसको लगता था घास के मैदानों से आ रही है फिर उसने उसको लगा कि ये नदियों से आ रही है फिर घाटियों और पहाड़ियों से लगती हुई आ रही थी लेकिन अब धीरे धीरे उसको लग रहा है कि आवाज बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है इन द नेक्स्ट वैली ग्लेट्स और अब उसे लग रहा है कि यह अगली घाटियों की ओर जा रही है किसकी तरफ जा रही है अगली घाटियों की ओर जा रही है वॉज इट अ विजन क्या यह सपना था और आ वॉकिंग ड्रीम या फिर कोई चलता फिरता दिन में देखता हुआ सपना था यह मेरा रात्रि का सपना था या फिर ये जागता हुआ सपना था प्लेड इज दैट म्यूजिक डू आई वेक और स्लीप क्या ये म्यूजिक क्या ये म्यूजिक सही है सत्य है डू आई वेक और स्लीप क्या मैं जग रहा हूं या फिर सो रहा ठीक hmm. है ये हो गया हमारा स्टेंजर रेफरेंस सेम है जब अब, अब जो पहले वाले स्टेंजा रेफरेंस था वही इसमें होगा और वही कंटेक्स इसमें होगा ठीक है पोएट विट्स फेयरवेल टू द नाइटिंगेल सॉन्ग जो पोएट है कवि है बिड्स फेयरवेल विदाई देता है टू द नाइटिंगेल सॉन्ग बुलबुल के इस गाने को एज हिज जैसे ही हिज डे ड्रीम इज ब्रोकन जैसे ही उसका दिन का सपना जो है वो टूट जाता है ही हैड escaped फ्रॉम this दिस वर्ल्ड ऑफ रियलिटीज वह ही हैड फ्रॉम दिस वर्ल्ड ऑफ रियलिटीज वह इस रियलिटीज वास्तविकता के संसार से दूर जा चुका था क्या हुआ वह इस वास्तविकता के संसार से दूर जा चुका था किस संसार में टू द इमेजिनेटिव वर्ल्ड ऑफ द नाइट जो उसके बुलबुल के ख्यालों का काल्पनिक जो संसार था उसमें जा चुका था बट लेकिन एज इट वर ऐसा था कि इमेजिनेशन कैन नॉट हेल्प फॉर लॉन्ग इमेजिनेशन ज्यादा देर तक यानी कि जो काल्पनिकता है वो हमारी ज्यादा देर तक सहायता नहीं कर सकती ज्यादा देर तक हमारे साथ नहीं ठहर सकती पर्सन आफ्टर ऑल हैज टू फेस द रियलिटीज ऑफ लाइफ एक व्यक्ति को इन सब के बावजूद भी क्या करना पड़ता है वास्तविकता का ही सामना करना पड़ता है इमेजिनेशन कैन मेक अस फॉरगेट आवर सेल्स ओनली फॉर आ शॉर्ट वायल जो इमेजिनेशन है वो हमारे आप हम उससे अपने आप को थोड़ी देर के लिए भुला तो सकते हैं क्या कर सकते हैं भुला तो सकते हैं लेकिन कितनी देर के लिए बहुत ही शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म यानी कि शॉर्ट वाल बहुत ही कम समय के लिए इट कैन यह हमें धोखा देती है परी की तरह परियों की तरह यह हमें धोखा देती है परियों की तरह कौन इमेजिनेशन जो हमारी काल्पनिकता होती है बट लेकिन इट कैन नॉट ट्रांसफॉर्म आवर लॉट लेकिन यह हमें बदल नहीं सकती क्या नहीं कर सकती बदल नहीं सकती अरे भाई थोड़े बहुत समय के बा, बाद आप काल्पनिकता से बाहर आ ही जाएंगे कितनी देर तक कल्पना करते रहेंगे डेयर फॉर इसी द पोएट अगेन विट्स फेयरवेल जो पोएट है वो फिर से दोबारा विट्स फेयरवेल विदाई देता है किसको टू द नाइट एंगल को बुलबुल को हुडर एंड पैसोनेट सॉन्ग जिसका जिसका टेंडर एंड पैसोनेट सॉन्ग इज ग्रेजुअली फेडिंग इन टू द फील्ड नियर वाई टेंडर मीन्स होता है आपका निविदा जिसकी जो निविदा है और पैशोनेट जो जोश है क्या है जोश है उसके सॉन्ग में ग्रेजुअली फीडिंग इन टू द फील्ड नियर बाई उसके आस पास के जो फील्ड है उनको क्या कर रहा है उनको धीरे धीरे दूर कर रहा है क्या कर रहा है दूर कर रहा है देन तब द वर्ड फ्लाइज अवे स्टिल फार्दर ओवर द क्वाइट स्ट्रीम तब जो पक्षी है जो बुल है बुलबुल बुल है वो उड़ जाती है स्टिल फार्दर ओवर द क्वाइट स्ट्रीम शांत धारा के ऊपर से उड़ती चली जाती है अपॉन द हिल साइड पहाड़ियों के ऊपर से एंड फाइनली इज लॉस्ट इन टू नेक्स्ट वैली और यह खो जाती है जाकर कहां पर अगली घाटी में नेक्स्ट वैली में दस तब द वॉइस ऑफ द नाइटेंगे ग्रोज जो बॉयज ऑफ द नाइट एंगल यानी कि बुलबुल की जो आवाज है ग्रोज बढ़ती जाती है फाइनली इनऑडिबल अंतिम रूप से ना सुनाई देने वाली इन ऑडिबल मतलब जिसको सुनाना जा सके एंड द ड्रीम ऑफ द पोइट इज ब्रोकन और जो पोइट का जो सपना है वो कैसा हो जाता है टूट जाता है द पोएट वीक्स फ्रॉम द ड्रीम जो पोएट है वो उड़ जाता है कहाँ से सपने से एंड वंडर्स और आश्चर्यचकित हो जाता है वेदर इट वाज एक्चुअली अ सॉन्ग कि क्या ऐसा सचमुच था कि यह एक सॉन्ग था और सोचता है कि क्या ऐसा सचमुच था कि यह एक कैसा था सॉन्ग था दैट ही वाज हियरिंग और मेयर विजन और जो कि क्या वह सुन रहा था या फिर कोई एक सपना था वो बोल रहा है कि क्या ये सॉन्ग ही था और अगर था तो क्या ये एक्चुअली सुनाई दे रहा था मुझे मैं सुन पा रहा था या फिर ये मेरे लिए एक सपना था क्या था सपना था द म्यूजिक ऑफ द सॉन्ग इज नाउ नो मोर जो संगीत है उस गाने का वो जो गाना बज रहा था इज नाउ नो मोर अब वो नहीं है एंड द और जो है है, है वो लौट आया है, लौट आया आता टू द लाइफ ऑफ रियलिटीज वास्तविकता की दुनिया में अपने वास्तविक जीवन में बट स्टिल ही इज नॉट एबल टू डिसाइड लेकिन फिर भी वह इतना सक्षम नहीं है कि यह निर्धारित कर सके कि ही इज वेकिंग और स्लीपिंग क्या भाई जग रहा था या फिर वो सो रहा था लास्ट लाइन्स आर फुल ऑफ फैतोस जो लास्ट लाइन्स हैं जो ये आखिरी की जो ये लाइनें हैं ये किससे भरी हुई हैं ये हौसले से भरी हुई हैं द पोइट इल्यूजन इज ब्रोकन पोइट का जो इल्यूजन है पोइट का जो भ्रम है वो टूट चुका है ही हैड डिजायर्ड टू फॉरगेट उसने भूलने की इच्छा जाहिर की है दियरीनेस थकान फीवर बीमारियां एंड फ्रेड जो उलझने हैं ऑफ द वर्ल्ड दुनिया की बाय द शेयरिंग द जॉयज ऑफ द इमोर्टल वर्ल्ड जो उसने साझा की किसके साथ एक अमर पक्षी के साथ इमोर्टल मीन्स अमर शाश्वत पक्षी के साथ बट इमेजिनेशन कैन गिव ओनली टेम्पररी रिलीफ जो इमेजिनेशन है जो काल्पनिकता है जो काल्पनिक, है, काल्पनिक चीज़ें हैं जो हमारी कल्पनाएँ हैं वो हमें केवल थोड़ी देर के लिए क्या दे सकती हैं आराम दे सकती हैं रिलीफ दे सकती हैं इट कैन नॉट विगिल हिम फॉर एवर यह हमेशा के लिए हमें मोहित नहीं कर पाती हमेशा हम इनमें नहीं खोए रह सकते पोएट है रिटर्न टू द रियल वर्ल्ड जो पोएट है वो वापस लौट आज खोआ है आया है किसमें रियल वर्ल्ड में वास्तविक संसार में ठीक है तो इसके बाद आपके दोस्त और बचे हैं उनको भी मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊंगा ठीक है तो तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को लाइक जरूर करें और जो भी आपके मित्रों के पास जो भी ये सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर का वो उनको जाके वीडियो जरूर शेयर करें उनके साथ ठीक है तो चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में